एक्शन। नमस्कार, मैं और आसिमा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। हमने निर्णय लिया है कि जेएनयू और दिल्ली के विश्वविद्यालयों में, खासकर जेएनयू में, अगर कोई अच्छी किताब शिक्षकों के आती है या कोई शोध प्रबंध अच्छा लिखा जाता है या कोई विद्यार्थी ने किसी विषय पर अच्छा लिखा है, आर्टिकल लिखा है, तो हम 5 से 10 मिनट उस पर चर्चा की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में आज हम भारतीय भाषा केंद्र में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव जी, उनकी एक किताब आई है दे ही देश। मैं आसिमा से अनुरोध करूंगा कि जूम करके इस किताब को वो आपको दिखाएं। इस किताब पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव भारतीय भाषा केंद्र में प्रोफेसर है, इससे पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में उन्होंने पढ़ाया है। ये जो किताब है ये उनके क्रोएशिया प्रवास की डायरी है। वैसे प्रकाशक ने इसे यात्रा वृत्तांत के तौर पर छापा है। और जब हमने इस किताब का अध्ययन किया तो हमने देखा कि इससे पहले जो यात्रा वृत्तांत लिखे जाते थे वो उसमें और इसमें जो फ़र्क हमने पाया है कि इस यात्रा वृत्तांत में डिटेलिंग बहुत है, बहुत रिसर्च किया गया, बहुत गहराई से लिखा गया है। हिंदी में इस तरह का अध्ययन बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसलिए आज हम इस किताब पर गरिमा श्रीवास्तव के उनसे ही उनके अनुभव जानते हैं। मैम, सबसे पहला प्रश्न, आपने इस किताब के दौरान की भूमिका में जिक्र भी किया है कि जब आपने ये लिखा तो आप इसे प्रकाशित करने में हिचक रही थी, तो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको ये डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया? क्योंकि आपने खुद लिखा है कि एक प्रोफेसर जब बाहर पढ़ाने जाते तो हो सकता है कि वो पढ़ा करके अपना काम करके वापस लौट आए, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा काम किया है हिंदी में, तो इसकी ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? नमस्कार, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैनेन्द्र जी की, आप, आशिमा और ब्रजेश यादव, आप लोगों ने ऐसा ये उपक्रम शुरू किया है जिसमें जेएनयू और अन्य विश्वविद्यालयों में ऐसा यदि कोई लेखक है या रचनाकार है जो कि जिसने अपने क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य किया है और उस कार्य को लोगों के सामने लाया जाना चाहिए, तो ये प्रयास अपने आप में सराहनीय है और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। जहाँ तक रहा मेरे संकोच का सवाल कि इस डायरी को मैं प्रकाशित क्यों नहीं करवाना चाहती थी, मुझे लगता है कि डायरी बहुत निजी होती है और निज का जो संसार है उस संसार को बाहर लाना, आत्म को सृष्टि से जोड़ना है और इसमें संकोच तो स्वाभाविक है ही, किसी के लिए भी है कि डायरी में हम जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो देखने का हमारा अपना दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से हम अपने प्रवास की घटनाओं को, प्रवास के अनुभवों को उसमें लिखते हैं। उसमें कोई, और मेरी डायरी उस ढंग से है भी नहीं कि इसमें कोई बहुत तरतीबवार बात की गई हो। ये डायरी दरअसल पूरे विश्व में मानवतावाद के इस युग में जो युद्ध को लेकर के जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं और उन प्रश्नों में जो स्त्रियों का प्रश्न रह जा रहा है या हाशिए पर है, ये डायरी उन प्रश्नों से मुकाबला करने का एक औजार है। इसको हम बृहत्तर परिदृश्य में देखें कि युद्ध होते हैं, युद्ध होते चले आए हैं, उसमें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्त्रियों की देह पर किए जाने वाले अमानुषिक अत्याचार, उन अत्याचारों की क्या प्रयोजनीयता है और या क्या होनी चाहिए, या स्त्रियों को शोषित करके क्या मिलता है और युद्ध ही क्यों होना चाहिए? यदि हम अपने आप को ये माने कुछ क्षण के लिए कि हम अपने आप को निजी दुख सुख के अनुभव से कुछ देर के लिए हम अपने आप को अलग कर दें, तो क्या हमें ये ऐसा नहीं लगता कि एक बृहत्तर संसार का एक मनुष्य होने के नाते
हमें इस पर सोचना चाहिए कि आधी आबादी हमसे आक्रांत क्यों है, हमारी ऐसी हमारे ऐसे कौन से क्रियाकलाप हैं जिन जिसके कारण आधी आबादी हाशिए पर जीने के लिए मजबूर है, वो आधी आबादी है स्त्रियां। क्रोएशिया दक्षिण पूर्व यूरोप का एक देश है और युद्ध से प्रभावित रहा है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि युद्ध की वहाँ कैसी परिस्थितियाँ रही, क्या कारण है कि लगातार युद्ध से घिरा रहा, और जब हमने इस किताब में देखा, इसको पढ़ने के दौरान ये सूचना हमें मिली कि वहाँ जो सरकारी आंकड़ा है वो है कि 50,000 औरतों के साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन जो इस तरह की एजेंसियाँ थी उन्होंने इसे बहुत कम करके दिखाया और ये साबित करने की कोशिश की कि ये बहुत स्वेच्छा से वाला मतलब ये संबंध बने हैं, ये बलात्कार नहीं है। तो ये युद्ध की और इस तरह की क्या परिस्थितियाँ रही, इस तरह क्यों पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? देखिए, युद्ध एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में पूरे विश्व में उभरा है। टैगोर ने अपने जापान प्रवास के दौरान व्हाट इज़ डेंजरस फॉर जापान इस शीर्षक से एक निबंध लिखा था, जिसमें उन्होंने जापानियों को युद्ध की विभीषिका से बचने की सलाह दी थी और साथ ही ये कहा था कि उनका जो नेशनलिज्म है वो उग्र राष्ट्रवाद उग्रता की तरफ जा रहा है, उनका जो नेशनलिज्म है इसलिए उन्हें बचना चाहिए। और उन्होंने जो आगाह किया था वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में लोगों ने उनकी बात तो क्या ही माननी थी, एक लेखक की बात कहाँ मानता है समाज, और उनकी बात नहीं मानी किसी ने और उनको एक एशिया के एक नोबल प्राइज़ विनर के तौर पर एक देखा गया, पैन एशियन नायक के तौर पर देखा गया। लेकिन बात ये थी कि 1992 से 1995 के बीच यूगोस्लाविया के संयुक्त यूगोस्लाविया के विखंडन के बाद जो छः देशों में जो उनका विखंडन हुआ, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेग्रो, इन सारे जो छोटे छोटे देश थे इन सब में नेशनलिज्म की भावना कूट कूट करके भर दी गई। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ताकतवर देश था वो था सर्बिया, जिसके राष्ट्रपति थे मिलोसेविच, और उन्होंने या उनके लिए तो उसने शब्द का प्रयोग ही ज़्यादा उचित रहेगा कि उन्होंने सर्बिया के नागरिकों को इस तरह से उनको अपने राष्ट्र के प्रति अपने नेशन के प्रति उनमें उग्र भावना भर दी कि उनको लगा कि एक बृहत्तर सर्बिया बनाने के लिए या एक शुद्ध स्वच्छ प्रांत बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि शुद्ध रक्त से उसको भर दिया जाए। शुद्ध रक्त से भरने का एक ही उपाय था कि जो गैर सर्बियन स्त्रियां हैं, बोस्नियाई और क्रोएशियन, ये जो स्त्रियां हैं इनके शरीर पर उनकी सेनाओं द्वारा कब्जा जमाया जाए। जो पुरुष थे उनका भाग जाना या उनको कैद कर लिया गया, और जो स्त्रियां थीं वो अपने छोटे बच्चों मवेशियों के कारण वो पीछे रह गईं, और पीछे जब वो रह गईं तो उनके ऊपर सर्बियन जो सैनिक थे उन्होंने आक्रमण किया। भूख, गरीबी, विवशता, लाचारी, किसी और सरकारी जो तंत्र था उसका बिल्कुल ही चौपट हो जाना। ये सिर्फ क्रोएशिया पे आक्रमण था या आसपास के जो 4-5 छोटे देश थे उस पे भी था? देखिए ये जो छोटे छोटे राष्ट्र ये जो बने, ये हर राष्ट्र अपनी अपनी आइडेंटिटी के लिए अपने पक्ष में दूसरे राष्ट्र से लड़ रहा था। भारी संख्या में लोग मारे गए, छोटी छोटी झड़पें, बड़ी बड़ी झड़पें हुई, और ये झड़पें इन प्रांतों में आपस में होती ही रहीं। इन सब में इसमें जो क्रोएशियन आर्मी थी उन्होंने भी सर्बियन आर्मी और दूसरी आर्मियों पर जब कब्ज़ा जमाने की कोशिश की, उनसे लड़ने की कोशिश की, तो उनके हाथ जो लगी वो सिर्फ औरतें थीं क्योंकि वो बेबस और लाचार थीं। और वो जो गांव की औरतें जो कि अपने मवेशियों, अपने छोटे बच्चों के साथ रह गई थीं, उनके ऊपर उनकी देह पर कब्ज़ा जमाना, उनको बंदूक की नोक पर डराना बहुत आसान था, और उनको समूह में
उनको बांध करके ले जाना और उनको यातना शिविरों में रखना, वहाँ के स्कूल्स, वहाँ के जो जिम्नेजियम थे उनको यातना शिविरों में तब्दील कर दिया गया। ये जो तब्दीली थी इससे लोगों में एक भय का वातावरण तो पसरा ही, साथ ही बलात्कार की छूट देकर सैनिकों को पुरस्कृत किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बलात्कार को अब तक हम मनुष्य पुरुष का खास करके मनोजैविक विचलन मानते थे, लेकिन दरअसल ये पुरुष का मनोजैविक विचलन नहीं है जितना कि ये भय के कारण किया जाता है। लिखा भी है, हाँ, भय के कारण किया जाता है। तो इसलिए जो वहाँ की जो स्त्रियाँ थीं, ये ऐसा नहीं कि जितने भी सैनिक थे वो सब घर परिवार वाले नहीं रहे होंगे और उनके अंदर दरिंदगी इस कदर थी, बल्कि उनको जो वो परिवार से जब वो दूर थे उनको बलात्कार की छूट दे करके सेनाधिकारियों ने उनको पुरस्कृत करने का प्रयास किया। साथ ही जिन दिनों वे घर से दूर हैं उस दौरान वे संपर्क साधें तो वो ज़्यादा समय तक सेना में वहाँ पर उपस्थित रह सकते हैं, इसलिए उनको बलात्कार करने की छूट दी गई। और यातना शिविरों में तो यातना देने का, स्त्री की देह यातना का सबसे बड़ा कह लीजिए कि सबसे बड़ी साइट है, और इस साइट को पर कब्ज़ा जमाना स्त्री की कोख पर कब्ज़ा जमाना है, और ये कोख पर कब्ज़ा जमाने के लिए बलात्कार से बड़ा प्रभावी और बीभत्स माध्यम तो हो ही नहीं सकता। जब आप ये किताब लिख रही थी तो आपने लिखा है कि वहाँ की औरतें अपने अनुभव शेयर करने से बच रही थी, किसी ने अपना नाम नहीं बताया या अगर बताया तो बहुत हिचक के बता रही थी, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी से बताने से परहेज़ कर रही थी। तो जैसे हमारे मन में यूरोप के लड़कियों को लेकर के, औरतों को लेकर है कि वो खुले विचारक होती, इस तरह की झिझक नहीं होती, तो आपका क्या अनुभव है, भारत की जो औरतें हैं वो भी इस तरह के मामलों में हिचकती है सामने आने से? अभी देख रहे हैं कि मीटू का पूरा मूवमेंट चल रहा है इंडिया में, तो क्या अंतर पाती है, वो लोग इतना क्यों हिचक रहे थे? जब उनके साथ इस तरह की चीज़ें हुई तो उनको तो खुल के सामने आना चाहिए, हमारे मन में तो एक इमेज है कि वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो फिर ये क्या दिक्कत हो रही थी वहाँ? ऐसा मुझे भी वहाँ जाने से पहले लगता था कि वहाँ की स्त्रियाँ बहुत खुली हुई होंगी और इस तरह के मुद्दों पर उनको बात करने में संकोच नहीं होगा, लेकिन स्त्री तो स्त्री है और उसकी देह का अपमान, उसकी देह का अपमान वैसा ही अपमान है जैसे कि किसी की आत्मा का अपमान। आत्मा पर पड़े हुए घावों को कोई भी स्त्री नहीं भूलती, और देह का अपमान करना तो बहुत आसान है, वहाँ की स्त्रियों का भी अपमान किया गया। अंतर सिर्फ इतना है कि यदि वे स्त्रियाँ भारत में होती तो शायद हमारे यहाँ फिर भी मानवीयता का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ उतना नहीं है। और ये भी कि हर स्त्री अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को, और मैं स्त्री ही क्यों, हर मनुष्य अपने जीवन का नकारात्मक पक्ष, धुंधला पक्ष, अंधेरा पक्ष भूलना चाहता है, बताना नहीं चाहता। तो शायद मुझे लगता है कि इसलिए भी, हाँ, उनमें से कई स्त्रियाँ थीं जिन्होंने अपना नाम छिपाए जाने की शर्त पर ही मुझे बताया, और इसमें उनके नाम भी बदलने की मैंने हर संभव कोशिश की ताकि मैं उनकी जो मित्रता या उनकी जो सदाशयता थी जिसकी शर्त पर उन्होंने मुझे अपने अनुभव बताए उसको मैं बचा सकूं, उसको उसकी मैं इज्जत रख सकूं, इसका मैंने प्रयास किया है। लेकिन ये तय है कि 10 में से कोई एक ही स्त्री ऐसी थी जो कि अपने बारे में बताने के लिए तैयार थी, या तो उसको धन की ज़रूरत थी इसलिए उसने बताया, या वो मेरी मित्र थी इसलिए बताया। इन्हीं दो तरह की स्त्रियों ने ही मुझसे अपने अनुभव शेयर किए, तीसरी तरह की कोई भी स्त्री उसने अनुभव शेयर नहीं किए। NGOs की मदद से जिन स्त्रियों के अनुभवों को मैंने पूछने की कोशिश की, उनमें से इंटरप्रेटर
के जो अनुवादक थे उनके माध्यम से पूछने की कोशिश की, तो वो उन अनुभवों को उन्होंने बहुत ही सतही ढंग से बताया और मेरी कल्पना पर छोड़ दिया कि उनके इशारों को मैं विस्तृत ब्यौरा दूँ। मैं इस प्रश्न को मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ। आपने सिमोन द बावर की किताब अ वेरी इजी डेथ का भी अनुवाद किया है, तो इस बहाने आपने उस समाज को बहुत नज़दीक से देखा है और आप वहाँ 2 साल रही भी हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भारत की स्त्रियाँ हैं और जो यूरोप की स्त्रियाँ हैं, दोनों में आपको क्या समानता और क्या विभिन्नता दिखती है कि यहाँ की स्त्रियों से क्या मिलता है, क्योंकि वहाँ तो जो वुमेन मूवमेंट रहा है बहुत पहले से रहा है, भारत में तो अब स्त्री विमर्श का दौर शुरू हुआ है, तो क्या समानता पाती हूँ और क्या किस चीज़ में यहाँ का स्त्री विमर्श अभी पीछे है या आगे है? मुझे लगता है पूरे विश्व के लिए स्त्री विमर्श तो अभी आया ही नहीं है, क्योंकि स्त्री को मनुष्य समझे जाने की अभी भी कमी है। मतलब मैं मानती यूरोप में भी वही हालत है, यूरोप में भी वही हालत है सर। सिर्फ ये है कि हम बर्बर, असभ्य और आदिम कहे जाते हैं और वे लोग आधुनिक कहे जाते हैं, लेकिन जिसे पोस्ट मॉडर्निस्ट थियोरी कहती है कि यदि इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास के पुनर्लेखन की ज़रूरत जब पोस्ट मॉडर्निज्म मानता है, तो उसके भीतर ये भी है कि जो लिखा गया है इतिहास अब तक पूरे विश्व में, वो विजयी जाति ने लिखा है। जो विजित रह गई हैं जातियाँ, यानी जिन पर विजय प्राप्त कर ली गई है, उन समुदायों, उन जातियों का इतिहास कौन लिखेगा? उनके पास सुविधाएं नहीं, साधन नहीं। ऐसे में उन जातियों का इतिहास लिखने के लिए हमें मौखिक आख्यानों, नैरेटिव्स, उनकी स्मृतियों के आधार पर जो बने हुए लोक कथाएं हैं, गीत हैं, उनकी तरफ जाना पड़ेगा, और इसलिए इन आख्यानों को हमें लाना पड़ेगा। ये बात मैंने महसूस की कि आखिर क्या है असल में ये स्त्रियां, मुझे लगता है कि कहीं फ़ायदे का सौदा नहीं देती किसी को, और या मुझे ऐसा लगता है कि ये स्त्रियां युद्ध की पूरी रणनीति को समझने में तो मददगार होती हैं, लेकिन युद्ध का पूरा जो खेल चल रहा है उसको ये स्त्रियां अपने आख्यानों से ध्वस्त करती हैं। हम ज़्यादा बेहतर तरीके से स्त्रियों की संवेदना को समझते हैं, लेकिन वो संवेदना के उस स्तर को समझना क्या किसी तरह से भी पूरे वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर रहा है? पूंजी में कोई बढ़ोतरी कर रहा है? अगर कर रहा है तो इन स्त्रियों के आख्यान ज़रूर सामने आने चाहिए, आए भी हैं, लेकिन शायद ये स्त्रियां बहुत बड़ी पूंजी का कोई स्रोत बन नहीं पा रही हैं, इसीलिए इनके बारे में लिखा नहीं जा रहा है, इनको पढ़ा नहीं जा रहा है, बहुत कम लोग हैं जो इनको पढ़ लिख पा रहे हैं और इनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। मैम, अंतिम सवाल हम लेना चाहते हैं कि इस पुस्तक का शीर्षक, पुस्तक की का जो टाइटल है देह ही देश, वो क्यों? क्या स्त्रियों की समस्या सिर्फ देह तक सीमित है, या क्या आपने इसका नाम देह ही देश क्यों रखा? क्या सिर्फ किसी देश की सीमाएं कैसे नहीं है कि एक सिर्फ क्रोएशिया की कहानी नहीं, पूरे विश्व की कहानी, हर देश की कहानी? किसी भी देश की सीमा किससे निर्धारित होती है? वहाँ की जमीन की सीमा रेखा से निर्धारित होती है, लेकिन एक देश दूसरे देश पर विजय पाने के लिए स्त्री देह पर देह का इस्तेमाल करता है, एक शत्रु पक्ष पर विजय पाने के लिए उसकी फौज से जब हम लड़ नहीं पाते तो जो सबसे कमज़ोर जो पक्ष है, औरतें, बच्चे, बूढ़े, इनकी देह पर विजय पाई जाती है। सैनिकों का एक समूह जिसके पास संगीने और बंदूकें हैं और उस पार खड़ी हैं 100 निहत्थी औरतें, उनको उन बंदूकों की नोक पर निर्वस्त्र किया जाता है, और निर्वस्त्र करने के बाद उनकी देह के साथ ज़बरदस्ती की जाती है
और वो उनमें से 70 औरतें नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेती हैं। ये क्या विजय है? लेकिन देह पर तो कब्जा जमाना हुआ ही ना। पाकिस्तान विभाजन के टाइम में भी, हाँ, भारत पाकिस्तान में भी, अब विभाजन के दौरान भी देखिए कि स्त्रियों की देह का क्या अपमान हुआ, या कश्मीर में देख लीजिए स्त्री देह का क्या अपमान हुआ। ये सिर्फ स्त्री देह ही क्यों, ऐसी कोई भी देह जो विवश और लाचार है, जिसको किसी तरह का के हथियारों की सुरक्षा उसके साथ नहीं है, तो क्या हम स्त्रियों को हथियार चलाना सिखाएं? स्त्रियां अपने आप को कैसे सुरक्षित करें, कैसे? ये किताब एक सवाल है हमारे सामने। देह तक ही स्त्री सीमित नहीं है, लेकिन जो विजयी जाति है वो पराजित जाति को सिर्फ देह तक ही तो सीमित समझती है, क्योंकि यदि एक स्त्री का अपमान कर दिया जाए, उसकी देह का बलात्कार कर दिया जाए, तो उसके पति, बच्चे, उसके पूरे परिवार का जो मोराल है वो तो डाउन हो ही जाता है, गिर जाता है। ठीक है, देही देश पर एक सेमिनार का आयोजन जेएनयू में किया जा रहा है 19 तारीख को, सोमवार को। तो अगर आपकी इस किताब में रुचि हो तो आप उसमें सुबह 10 बजे से, तो अगर आपकी इस किताब में रुचि हो तो आप उस सेमिनार में, संगोष्ठी में भाग ले सकते हैं। तब तक हाँ, ये राजपाल से छपी है और अमेज़न पे आपको ये किताब ऑनलाइन मिल जाएगी। तब तक के लिए मुझे और आशिमा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।